हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज मैं इस सफ़र में आपको ले चल रहा हूँ एक बहुत ही खूबसूरत रास्तों पर। यस, आपने टाइटल देखकर तो आपको पता चल गया होगा कि मैं जा रहा हूँ मालशेज घाट। यस, इस बार पिछले मॉनसून का ये राइड है एंड आई वॉन्टेड टू शेयर दिस विथ यू अभी बिकॉज मॉनसून आ रहा है। और आपने अगर मालशेज घाट का राइड कभी नहीं किया है तो प्लान दिस इन 2024 मॉनसून, बिकॉज मॉनसून में मालशेज घाट टर्न्स आउट टू बी वेरी ब्यूटीफुल। यस, बीच बीच में थोड़े बहुत रास्ते ख़राब हो जाते हैं, बट इट डजेंट मैटर्स बिकॉज बाकी का 100 में से ऑलमोस्ट 80% रास्ते मस्त है एकदम। और मालशेज घाट का राइड इज़ वेरी अमेजिंग इन मॉनसून, बिकॉज मॉनसून में दिस कंप्लीट एरिया टर्न्स आउट टू बी वेरी डिफरेंट। इट जस्ट कवर्स विद ग्रीनरी ऑल अराउंड और बहुत सही लगता है। मालशेज घाट आप जाने के लिए बीच में मुरबाड़ होकर आप जाओगे तो कल्याण मुरबाड़ होकर आपको जाना पड़ेगा अगर आप थाने या मुंबई से जा रहे हो। और जैसे आप मुरबाड़ क्रॉस करोगे यू विल रियलाइज कि इतने ज़्यादा सीनिक व्यूज मिलेंगे आपको और इतना पीसफुल रास्ता है विच इज़ सराउंडेड बाय ग्रीनरी ऑन बोथ साइड्स। मॉनसून में तो बहुत ही अलग वाइब है। जैसे हम निकल पड़े, इस बार मैं जा रहा था कालू वाटरफॉल और कालू वाटरफॉल जाते वक्त मैंने ये रिकॉर्ड किए ये सारे वीडियोस। और मैं आपको बताऊँ, लिटरली बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी था रोड पे। और जैसे जैसे मैं गाड़ी चला रहा था और मालशेज अपने मुंबई और सिटी एरिया से जैसे दूर जा रहा था टुवर्ड्स मालशेज घाट, हवा वैसे ही बहुत फ्रेश और बहुत ठंडा फील हो रहा था मुझे। और बाइक चलाने का एक अपना ही मज़ा आ रहा था। हम कुछ ही दूर बीच बीच में आपको एक तो सिटी जंक्शंस मिलेंगे, मतलब वहाँ पे जैसे मुरबाड़ हो गया, फिर बीच बीच के जैसे ये मार्केट एरिया आपको मिलेगा जहाँ पे विलेजेस एंड मार्केट है, जहाँ पर आपको उनके एसटी बस स्टॉप्स वगैरह मिल जाएंगे। तो आप वहाँ पे रुक करके आपका नाश्ता, चाय या फिर छोटा मोटा हॉल्ट आप ले सकते हो, क्योंकि उसके बाद बीच बीच में तो ऐसे सीनिक रोड है जहाँ पर आपको कोई स्टॉल वगैरह बीच में नहीं मिलेगा। लेकिन मज़ा भरपूर मिलने वाला है। और अगर आप लकी रहे और आप इस राइड पे जा रहे हो और मेरी तरह आपको थोड़ा ही आगे जाने के बाद अगर बरसात मिल जाए तो भाई इस राइड का क्या ही मज़ा है, क्योंकि लिटरली जब बारिश होता है तब इस रोड पे राइड करने का और ही ज़्यादा मज़ा बढ़ जाता है। और इस वीडियो में आप देख सकते हो हल्की हल्की, मैं जैसे ही आगे बढ़ रहा हूँ हल्की हल्की बरसात शुरू हो चुकी है, जिस वजह से कैमरा के लेंस पे आपको ड्रॉपलेट्स दिख रहा होगा, जिस वजह से थोड़ा सा व्यू में मज़े खराब हो जाते हैं। लेकिन बाइक राइड करने का वाइब अलग ही है भाई, बहुत सही, बहुत मज़ा आता है बाइक राइड करने में। और एक्साइटमेंट वैसे ही बढ़ते जाता है जैसे जैसे आप आगे जाते हो। अब आप देख सकते हो अच्छी खासी बारिश शुरू हो गई है और इसमें राइड करने का एक अपना ही मज़ा है भाई। भीगते हुए राइड करना मॉनसून में एक अलग ही वाइब है। मुझे तो बहुत पसंद है मॉनसून में राइड करना। लिटरली साल भर अपन इंतज़ार करते हैं कि कब मॉनसून आएगा और कब अपने को ऐसे मज़ेदार राइड करने मिलेगा। और आई वॉज वेरी लकी कि कालू वाटरफॉल जाते वक्त हमें इतना प्यारा और ब्यूटीफुल सा रेनफॉल देखने मिला। और जैसे ही रेनफॉल ख़त्म हो आप देख सकते हो एकदम ही व्यू तगड़ा हो चुका है, बहुत तगड़ा व्यू मिलता है। जब जैसे ही बरसात होके चले जाता है तो व्यूज़ इतने सीनिक और इतने मस्त हो जाते हैं। आप देख सकते हो मैं कालू वाटरफॉल एक्सप्लोर करके अभी रिटर्न आ रहा हूँ और रिटर्न का मेरा जर्नी है। आप देख सकते हो जैसे बादल क्लियर हो चुके हैं तो क्या व्यू मिल रहा है भाई, क्या व्यू मिल रहा है, बहुत ही सही।
इसीलिए मॉनसून का एक बार तो भी राइड आपको मालशेज घाट में करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप लिटरली देख सकते हो रोड साइड आपको वाटरफॉल्स भी देखने मिल रहे हैं, और यहाँ पे लोग लिटरली रुक रुक कर इन वाटरफॉल्स को एंजॉय करते हैं। और यहाँ के स्टॉल्स पे मैगी हुआ या फिर मक्का हुआ भुना हुआ, ये खाते हुए इस ब्यूटीफुल से वेदर को एंजॉय करते हैं। तो यस, एड दिस टू योर बकेट लिस्ट, द मॉनसून राइड ऑफ मालशेज घाट। इट्स अ मस्ट टू राइड इन मॉनसून सीजन। बाकी सीजन में भी आप मालशेज घाट जा सकते हो, लेकिन मॉनसून सीजन में मालशेज घाट जाने का एक अलग ही वाइब है भाई, अलग ही वाइब है। और सबसे सही चीज़ क्या है पता है? इट्स जस्ट 98 टू 100 किलोमीटर्स फ्रॉम वेयर आई लिव इन थाने, और थाने से बस भाई 100 किलोमीटर की दूरी पर ये मालशेज घाट है। और ये जो टॉप टनल है इसके पास ही क्या व्यू पॉइंट्स है भाई, बहुत सही सही व्यू पॉइंट्स है जहाँ से आपको पूरा घाट का व्यू देखने मिलता है। यहाँ पे लिटरली लोग रुक के देखते हैं व्यू। और यहाँ का वड़ा पाव तो भाई मिस करना ही मत भाई, यहाँ के वड़ा पाव का एक अलग ही टेस्ट है भाई। और आप देख सकते हो यहाँ पर लिटरली लोग रोड पे जहाँ पर पानी गिर रहा है वहाँ पे रुक के डांस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, जस्ट वो हॉर्न के वाइब पे जो ट्रक वाला बजा रहा है भाई, बहुत सही एक्सपीरियंस है। और अगर आपका बाइकिंग ग्रुप है छोटा सा, देन यू बॉयज मस्ट गो टू दिस मालशेज घाट राइड इन मॉनसून, क्योंकि भाई आपके ग्रुप का बॉन्डिंग भी बहुत सही हो जाएगा और बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे आप इस राइड को। और एक चीज़ जो मेरे को बताना है कि जब भी आप मालशेज घाट के राइड पे जाओगे तो वहाँ पर ओवरटेकिंग बहुत ध्यान से करना, बिकॉज दिस इज़ अ सिंगल लेन रोड, और यहाँ पे ओवरटेक करना बी वेरी केयरफुल। आई डोंट से कि ओवरटेक करना ही नहीं है, आपको करना पड़ जाता है ओवरटेक बहुत जगह पे, बट अवॉइड ओवरटेकिंग। और अगर ओवरटेक आप कोई व्हीकल को भी कर रहे हो, जब तक सामने का पूरा क्लियर व्यू नहीं रहता तब तक आपको ओवरटेक नहीं करना है। और टर्निंग एंड घाट रीजन पे तो ओवरटेक बिल्कुल नहीं करना है, सीधे सीधे रास्ता है तो आप ओवरटेक करो, अगर टर्निंग रोड्स है तो वहाँ पे ओवरटेक नहीं करना है आपको, बस इस चीज़ का ध्यान दो। और आप मुझे बताओ कि आपको इन रास्तों ये रास्ते कैसे लग रहे हैं, ये जो रोड्स है मालशेज घाट के आपको कैसा लग रहा है इस वीडियो को देखते हुए। और अगर आपने मालशेज घाट का राइड किया है तो प्लीज़ कमेंट डाउन योर एक्सपीरियंस कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि मालशेज घाट का मेरा एक्सपीरियंस इज जस्ट वंडरफुल। इट्स बीन 10 ईयर्स, फर्स्ट टाइम मुझे आज भी डेट याद है, 26 सितंबर ऑफ 2023 फर्स्ट टाइम मैं मालशेज घाट के रास्ते पर गया था, एंड इट वॉज विंटर सीजन, ऑलमोस्ट विंटर हैड स्टार्टेड एट दैट टाइम, बारिश नहीं हो रहा था, इट वॉज विंटर एट दैट टाइम। और मुझे आज भी याद है मैं और मेरा दोस्त ओमकार, हम लोग फर्स्ट टाइम उसके शाइन पे, होंडा शाइन पे हम लोग मालशेज घाट गए थे, एंड द एक्सपीरियंस ऑफ आवर वॉज जस्ट अमेजिंग। सिर्फ मॉनसून में ही नहीं, विंटर में भी यहाँ पर बाइक राइड करने का बहुत ही थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा ठंडा होता है वो टाइम पे, और जस्ट मॉनसून ख़त्म हुआ रहता है तो इट इज़ ऑलरेडी ग्रीनरी सब जगह होता है। और विंटर्स में यहाँ पर आपको व्यू भी बहुत अच्छा देखने मिल जाएगा अगर आपका नसीब बहुत सही रहेगा और क्लाउड्स नहीं रहेंगे ज़्यादा, तो क्या ही व्यू देखने मिलता है आपको, बहुत सही, बहुत अमेजिंग। तो यस, 10 साल हो चुके हैं मुझे, मैं हर साल मालशेज घाट का राइड एक बार तो भी करता ही हूँ, एंड एवरी टाइम आई गो टू मालशेज घाट इट फील्स लाइक दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। उतना ही अमेजिंग होता है इस मालशेज घाट का राइड हर साल हर वक्त। तो यस, दिस वॉज वन ऑफ माई फेवरेट biking route which I usually do and I always usually recommend to everyone. Just
अगर आपका नया नया बाइक है और आपने नए नए राइडिंग चालू की है तो जस्ट बी वेरी केयरफुल, बहुत ही ध्यान से चलाइए गाड़ी। एंड दिस रोड्स आर नॉट मेंट फॉर ओवर स्पीडिंग, ये रोड ओवर स्पीडिंग के लिए है ही नहीं। अब देख सकते हो कितना सीनिक रोड है, ये रोड है टू राइड पीसफुली एंड एन्जॉय दिस ब्यूटिफुल रोड्स। यहाँ पे ओवर स्पीडिंग आपको करना ही नहीं है। सो एड दिस टू योर बकेट लिस्ट, द राइड टू माल्शेज घाट। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो योर व्यूज। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैव फ्रेंड सब्सक्राइब येट। जाने से पहले सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनके साथ आप जाना चाहते हो माल्शेज घाट के राइड पे। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको पसंद आया है वीडियो तो प्लीज़ लाइक करके जाना क्योंकि उससे मुझे बहुत खुशी होती है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड, टेक केयर, बाय बाय, कीप स्प्रेडिंग लव, कीप स्प्रेडिंग हैप्पीनेस एंड ऑलवेज ट्राई टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, बाय बाय।